ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। हेलो दोस्तों, कार मेरे यार, आज का एपिसोड है सवाल आपके जवाब हमारे। अब ये एपिसोड दोस्तों इसलिए रखा गया है कि कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब एक रिप्लाई दे के ना कि मैं पूरा वीडियो के अंदर आपको डिस्कशन करके बताऊं, क्योंकि ये सवालों के जवाब कुछ ऐसे होंगे कि जो सबके काम आ सके। तो इसलिए ये नया सेशन हर बुधवार को हम किया करेंगे, सवाल आपके जवाब हमारे। कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ ऐसे सवाल जो टेक्निकली सही होंगे, जिनके सवालों के जवाब सभी के दिमाग में घूमते होंगे, इनका जवाब क्या होगा, तो वो वाले सवाल हम इस एपिसोड में ले लिया करेंगे। तो आज मैंने 5 ऐसे लिए हैं, प्लस एक नई गाड़ी हमारे एक दोस्त, हमारे मित्र ने ली है, सब्सक्राइबर ने ली है, तो उनके लिए भी एक शुभकामनाएं देने के लिए एक छोटा सा उनके लिए भी फोटोग्राफ्स आई हैं उनकी मेरे पास मेल पे, तो वो डाल देंगे साथ में। आपकी भी कहीं आपने कोई भी नई गाड़ी ली है तो उसके लिए कार मेरे यार @gmail.com के ऊपर उस अपनी गाड़ी के साथ अपनी एक फ़ोटो शेयर कर लीजिए, अपनी डिस्कशन करेंगे, उसके सारी डिटेल आप डाल दीजिए और आपको सवाल आपके जवाब हमारे के अंदर आपको सारी शुभकामनाएं देंगे उसकी, और आपकी फ़ोटो भी साथ में शेयर की जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला सवाल, जी के अड्डा के नाम से एक सब्सक्राइबर हैं मेरे, उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा था। वीडियो थी सेकंड हैंड फीगो या स्विफ्ट, तो उन्होंने सवाल पूछा है, पाजी सत श्री अकाल एंड वेरी नाइस वीडियो, तुसी अपना रिव्यू तो दस दो, केड़ी कार ज़्यादा ठीक है। उनके कहने का मतलब ये था कि फीगो या स्विफ्ट के अंदर से उनको कौन सी कार बेहतर है, रिव्यू ठीक लगा उनको, लेकिन मेरी ओपिनियन भी जानना चाहते हैं साथ में। तो मैं प्रॉपर नाम पता नहीं क्या है इनका, जी के अड्डा लिखा हुआ है इन्होंने, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, सभी के लिए है ये। देखिए 2012-13 से पहले पहले की जो गाड़ियाँ फीगो पेट्रोल आई वो आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि कारण क्या कि एक तो उसकी पिकअप कम है, दूसरा उसकी गाड़ी की बहुत ही माइलेज कम है, जिसको कि आप लेके पछताने वाला काम ना हो जाए, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। हाँ, फीगो डीजल में अगर आपको मिलती है, चाहे अब वाली मिलती है चाहे पिछली वाली मिलती है, तो बेहतरीन है, पावर पिकअप माइलेज बहुत अच्छी है। और अगर आपको स्विफ्ट लेनी है तो स्विफ्ट के अंदर आप जाइए पेट्रोल के अंदर पुरानी में। कारण क्या है कि जो स्विफ्ट थी पिछली, उसके अंदर माइलेज बहुत ज़्यादा थी, इंजन छोटा था, तो इतनी ज़्यादा अच्छी आपको कंडीशन में कार मिलने की संभावना कम है। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि अगर आप स्विफ्ट देख रहे हैं तो पेट्रोल में देखिए, अगर आप डीजल देख रहे हैं तो फीगो देखिए, क्लियर सा फंडा है। ऑलराइट, और हाँ, ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी आप कार देखें प्लीज़ एक अच्छे से मैकेनिक से चेक करवा लीजिए, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, तो वो आप साथ में ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए पुरानी कार लेते समय। ऑलराइट, अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, फ्री स्टाइल और बलेनो इस टाइटल के नाम से एक वीडियो था, उसके अंदर निशांत जी ने पूछा है, बलेनो इज़ अ गुड कार विद 4-स्टार रेटिंग इन सेफ्टी पेट्रोल, इट्स एम्बियंस इज़ वेरी गुड एंड ड्राइवर डोंट गेट बोर्ड ड्यू टू एजाइल एंड अट्रैक्टिव इंटीरियर्स। तो निशांत जी, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो ओपिनियन है बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम गाड़ी लेते हैं तब हमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स चेक करने पड़ते हैं, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हमें देखने पड़ते हैं। जैसे कि जिस टाइम ये वीडियो बनी थी तब बलेनो पेट्रोल डीजल दोनों में आती थी, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में आती है, आपने भी पेट्रोल की ही बात की है। मैं पेट्रोल के अंदर एक पॉइंट प्लस देता हूँ बलेनो को, कि उसके अंदर 4 सिलेंडर का इंजन है, पेट्रोल के अंदर अच्छी है, स्पेस बहुत अच्छा है, और उसके अंदर कॉस्मेटिक चीज़ें ऐसी हैं जो कि आज के मॉडर्न इरा के अंदर लोगों को चाहिए, जैसे कि LED DRLs, प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मिल जाती हैं। एम्बियंस की बात करें तो हाँ, कुछ कह सकते हैं कि एक पॉइंट तक आप एम्बियंस की बात कर सकते हैं, लेकिन अगर ड्राइव डायनेमिक्स की बात करें या सस्पेंशन की बात करें या एक ओवरऑल पैकेज की बात करें जिसके अंदर कि आपको ड्राइव करने का मजा आए, तो वहाँ पर थोड़ी सी फ्री स्टाइल भी आगे निकल जाती है। हाँ, वो बात अलग है आपकी, क्योंकि उसकी स्पेस, लंबाई, चौड़ाई सारी फ्री स्टाइल से ज़्यादा है,
तो बलेनो को जो आस्पेक्ट ये लेके आप चल रहे हैं ये सही है, लेकिन दूसरी साइड पे अगर आप देखें कि अगर आपको हैंडलिंग के तौर पे गाड़ी अच्छी चाहिए, एक अच्छा सस्पेंशन चाहिए, बैड रोड कंडीशंस के ऊपर आपने गाड़ी चलानी है, तो फिर फ्री स्टाइल आपको ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नज़र आएगी। बलेनो का आपको सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ साइड पर नज़र आता है। ऑलराइट, अगली बात करते हैं दोस्तों, जो मैंने गाड़ी की सेकंड हैंड फिगो मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर बनाई थी, 7 साल हो गए थे गाड़ी को और 5 वियर्ड चीज़ें जो कि मेरे को बहुत बुरी लगती हैं उस गाड़ी में वो मैंने बताई थी इसके अंदर, जिसकी कि कईयों को डील ब्रेकर लगती है, कईयों को नहीं लगती। तो उसके अंदर मेरे को विष्णु जी ने पूछा था एक सवाल, उसमें लिखा था कि भाई 2018 पेट्रोल फिगो एस्पायर ट्रेंड प्लस 30,000 चली हुई है, 4,60,000 रुपये मांग रहे हैं, फर्स्ट ओनर है, कितने की सही है? देखिए विष्णु जी, मैं आपके सवाल का जवाब कुछ इस तरीके से देना चाहता हूँ कि देखो कोई भी गाड़ी है, चाहे आप फिगो एस्पायर लीजिए, फिगो नॉर्मल ले लीजिए या फ्री स्टाइल ले लीजिए, कोई भी ऐसी गाड़ी है 2018 पेट्रोल है तो ट्रेंड प्लस वेरिएंट है, तो आप उसके एक तो ये देखिए कि वर्जन कौन सा है, ट्रेंड प्लस है, चली कितनी है 30,000 इससे मैटर नहीं करती, सीधी सीधी सी बात है कि वो 2018 मॉडल है, यानी कि अब वो 2 साल पुरानी गाड़ी है। तो वैसे ही अगर कहा जाए तो ये वियर्ड थिंग्स के अंदर ये भी चीज़ आती है कि इसकी रीसेल वैल्यू भी कम है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी देख के चलिए, आप अच्छे मैकेनिक से गाड़ी को चेक करवा लीजिए और इस गाड़ी का आपको रीसेल वैल्यू और थोड़ी सी कम है, आप इसको 4 और 4.25 लाख रुपए के बीच में जज कर सकते हैं। किसी भी गाड़ी की मैं ऐसे कुछ नहीं बता सकता कि कितनी आइडिया होना चाहिए, क्या रेट होना चाहिए, क्योंकि सामने खड़ी हो गाड़ी तब भी आपको बताना मुश्किल हो जाता है, इंजन स्टार्ट करके थोड़ा जज हो जाता है, चला के और थोड़ा जज हो जाता है, थोड़ी सी और अपने पास रखी जाए गाड़ी, अच्छे तरीके से इंस्पेक्शन की जाए, तब उसके बारे में थोड़ा आइडिया लग सकता है। तो प्लीज़ एक अच्छे मैकेनिक से चेक करवा लीजिए, 4 और 4.25 लाख के बीच में आपको गाड़ी अच्छी डील है। ऑलराइट, ये मैंने सभी के लिए बता रहा हूँ, मतलब अकेले एक पर्सन के लिए नहीं, जिन्होंने सवाल पूछे उनका मैं नाम जरूर ले रहा हूँ साथ में। और अगला सवाल है दोस्तों, संडे लाइव की जो पोस्ट थी उसके अंदर डाला था, मैंने डाला था कि पोलो फ्लॉप क्यों है, जो नई पोलो है वो भी फ्लॉप क्यों है, तो सचिन जी ने साथ में एक सवाल के मेरे जवाब भी दिया था, ये बहुत अच्छी बात है, आप भी ऐसे कर सकते हैं, तो इसकी एक ओपिनियन पता लग जाता है, हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं इस तरीके से। तो उन्होंने मेरे को सवाल का जवाब दिया था कि पोलो फ्लॉप ड्यू टू प्राइस, वी हैव मच बेटर ऑप्शंस लाइक स्कोडा रैपिड, तो बहुत ये एक मेजर पॉइंट है इनके फ्लॉप होने का। कारण क्या है कि जो इसकी कीमतें शुरू होती हैं, अभी मैंने पिछले मैंने डाला था इसमें, यह मैंने लिखा हुआ है, कम्फर्ट लाइन की जो नॉर्मल साइक आता है इंजन 6,75,000 रुपये, उससे नीचे वाला मॉडल 5,82,000 रुपये और टॉप वेरिएंट जाके 9,12,000 रुपये का पड़ता है, जो मैनुअल के अंदर 8,02,000 रुपये का है। इनकी बात बिल्कुल सही है कि स्कोडा रैपिड जो कि गाड़ी है उसकी कीमत बहुत ही अट्रैक्टिव रखी गई है। अब इसके अंदर एक नया और वेरिएंट जोड़ा गया है बेस वेरिएंट के अंदर ही, जिसके अंदर कि हमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी साथ में मिल रहा है, तो ये प्राइस का कॉस्टली होना भी एक बहुत बड़ा एक वैल्यू फॉर मनी ना होना, मैं वही बात पिछली बार वीडियो में डाली थी कि वैल्यू फॉर मनी का आस्पेक्ट इसके साथ ना जुड़ा होना भी पोलो के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। पहले इसके पास एक डीजल इंजन था, DSG गियरबॉक्स था जो कि बेहतरीन था, एक पंच था, एक ट्रंप कार्ड था इसके पास, लेकिन वो सारा हटा दिया गया और जो इसकी खूबियाँ थी वो लेस करके जो इसकी बुराइयाँ थी वो ख़त्म नहीं की गई, तो फ्लॉप होना लाजमी है। और सर की बात साथ में मैं जोड़ देता हूँ कि कॉस्टली होना भी एक आस्पेक्ट है इस गाड़ी के फ्लॉप होने का। पांचवी दोस्तों बात करता हूँ, हमारे दोस्त आशुतोष शुक्ला जी ने ग्रैंड आईटेन नियोस स्पोर्ट्स मॉडल लिया है ब्लू कलर का, तो मेरी तरफ से और हमारे सारे परिवार की तरफ से, सब्सक्राइबर्स की तरफ से, व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका बेटा बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा है, आपके बेटे को बहुत ज़्यादा खुशी है, मैंने देखी आपकी फ़ोटोज़, शेयर कर देते हैं हम सबके साथ, आप अपनी गाड़ी को एंजॉय करें। और उन्होंने मेरे को साथ में एक मैसेज भी भेजा जो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सर, आपसे गाइडेंस लेके मैंने ग्रैंड आईटेन नियोस स्पोर्ट्स वेरियंट लिया है, थैंक्स सर, ब्लू कलर। ओ, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और
इंजॉय कीजिए गाड़ी को, हर एक आस्पेक्ट देख के गाड़ी लेनी चाहिए, जैसे कि हम बार बार कहते रहते हैं। तो इन्होंने, आशुतोष जी ने ली है गाड़ी, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आप भी डाल सकते हैं अपने सभी तरीके के क्वेश्चन आंसर्स carmereyar@gmail.com पे। अलग से भी आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका अगर को मेरे को लगा कि इसका सवाल का जवाब मेरे को डिस्कशन में देना चाहिए, तो ऐसे सवाल आपके जवाब हमारे के अंदर सेशन के अंदर मैं दे दिया करूँगा। ऑलराइट, तो बताइएगा दोस्तों, ये नया एक उपराला कैसा लगा आपको? और हमारी ट्राई सिटी की यानी कि चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली की खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ट्राई सिटी न्यूज़ लाइन वेब चैनल है और ट्राई सिटी न्यूज़ लाइन के नाम से वेबसाइट भी है, उसको देखिए, उसके अंदर आपको सारी खबरें, लेटेस्ट खबरें आपको मिल जाया करेंगी। बताइएगा दोस्तों, कैसा लगा आपको ये नया उपराला? सीट बेल्ट लगाकर आराम से, ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों। Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be.